हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द सेक्शन 60 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। आज की अपनी इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सेक्शन 60 के बारे में, जो कि बताता है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो लायबल होती हैं अटैचमेंट के लिए और सेल के लिए इन द एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। यानी कि जब हमारी किसी डिक्री का एग्जीक्यूशन हो रहा होता है, जब हमें कोई डिक्री पास होती है, उस डिक्री के एग्जीक्यूशन के लिए हम कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ को सेल कर सकते हैं और अटैच कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज लायबल टू अटैचमेंट एंड सेल इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। तो वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो लायबल होती हैं फॉर अटैचमेंट एंड सेल इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। सबसे पहले तो कोई भी लैंड होगा डिक्री जजमेंट डेटर का, उसका कोई घर होगा या फिर कोई अदर बिल्डिंग्स होंगी या फिर कोई गुड्स होगा या फिर कोई मनी होगी, उसके पैसे होंगे, बैंक नोट्स होंगे, चेक्स होंगे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, हुंडीज। तो अगर ये सारी चीज़ें हैं, प्रॉमिसरी नोट, तो अगर उसका कोई घर है, कोई उसकी प्रॉपर्टी है, कोई उसकी बिल्डिंग है, उसके गुड्स हैं, उसके पैसे हैं, बैंक नोट्स हैं, चेक्स हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हैं, हुंडीज हैं या प्रॉमिसरी नोट्स हैं, तो ये सारी चीज़ें अगर उसके पास में हैं तो उससे ली जा सकती हैं, उसको अटैच की जा सकती हैं और उससे जो डिक्री का जो अमाउंट है उसको रिकवर किया जा सकता है। वहीं और हम देखते हैं कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ अगर होंगी तो वो भी अटैच की जा सकती हैं, कोई बॉन्ड्स और अदर सिक्योरिटीज़ होंगी फॉर मनी तो वो भी अटैच की जा सकती हैं, कोई डेब्ट्स हैं तो वो भी, और शेयर्स इन कॉरपोरेशंस हैं तो वो भी अटैच किए जा सकते हैं। साथ ही इसके अंदर एक पॉइंट दिया हुआ है, ऑल अदर सेलेबल प्रॉपर्टी, चाहे वो मूवेबल हों या फिर इमूवेबल हों, बिलोंगिंग टू द जजमेंट डेटर। यानी कि जजमेंट डेटर के नाम पर नहीं है प्रॉपर्टी, लेकिन जजमेंट डेटर से बिलोंग करती है, यानी कि उसने अपनी प्रॉपर्टी किसी और के नाम पर करा रखी है, किसी और के पास है, अगर वो उस जजमेंट डेटर से बिलोंग करती है, चाहे वो मूवेबल प्रॉपर्टी हो या इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, तो उस प्रॉपर्टी को अटैच करके सेल किया जा सकता है एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री के लिए। अब हम ये देखेंगे कि वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं या फिर वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो अटैच नहीं की जा सकती, जो लायबल नहीं है अटैचमेंट के लिए और सेल के लिए। सबसे पहला पॉइंट हमारा ये कहता है, द नेसेसरी वियरिंग अपैरल, कुकिंग वेसल, बेड्स एंड बेडिंग्स। यानी कि जो नेसेसरी किसी के कपड़े होते हैं, कोई कुकिंग वेसल यानी कि जिन वेसल्स के अंदर, जिन बर्तन के अंदर खाना पकता है, किसी की बेडशीट होती है, बेड होता है, तो अगर ऐसी चीज़ें हैं जजमेंट डेटर की तो उन चीज़ों को अटैच करके सेल नहीं किया जाएगा। या फिर किसी जजमेंट डेटर की वाइफ का जो कोई ऐसा ऑर्नमेंट है जो रिलीजियस यूसेज के अंदर काम आता है, जैसे कि मान लीजिए किसी की सगाई के अंदर उसको अंगूठी पहनना ज़रूरी है, तो वो रिलीजियस सेंटिमेंट्स के अंदर आता है, किसी औरत का मंगलसूत्र जो कि उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो भले ही वो सोने का क्यों ना हो, उसको अटैच नहीं किया जाएगा फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। तो हमने देखा कि जो जजमेंट डेटर है उसके बच्चों की या फिर उसकी बीवी की वियरिंग्स को, अपेरल्स को, कुकिंग वेसल्स को, बेड्स को या फिर बेडिंग्स को, या फिर वो ऑर्नामेंट जो कि रिलीजियस यूसेज में आते हैं किसी वुमेन के, तो उसको बिल्कुल भी अटैच नहीं किया जाएगा, उसको सेल नहीं किया जाएगा फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। दूसरी चीज़ ये हमारे ये कहते हैं कि टूल्स ऑफ आर्टिशियन, यानी कि अगर कोई काम करने वाला है, कोई आर्टिस्ट है, तो उसके जो टूल्स होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई पेंटर है तो उसके पेंट ब्रश नहीं लिए जाएंगे, कोई किसी और तरीके से आर्ट बनाता है तो उसके टूल्स नहीं लिए जाएंगे। वेयर द जजमेंट डेटर इज एन एग्रीकल्चरलिस्ट, अगर वो एग्रीकल्चरलिस्ट है तो फिर उसकी जो कैटल्स हैं, उसकी जो हस्बेंड्री है, उसकी जो सीड ग्रेन्स हैं, जिनसे कि उसको अपना काम करके आगे अपना लाइवलीहुड के लिए पैसा कमाना है, तो उससे वो टूल्स भी नहीं लिए जाएंगे, उसके कैटल्स सबको नहीं लिया जाएगा अगर वो उसके एग्रीकल्चरल लैंड के ऊपर काम करता है। तो यानी कि ना तो आर्टिशन से कोई उसके टूल्स लिए जाएंगे, टूल्स के अंदर अब जैसे सपोज कीजिए कोई कारपेंटर है और उस कारपेंटर के पास में आरी है, हथौड़ी है,
तो वो सारी चीज़ें उससे नहीं ली जाएंगी। कोई जजमेंट डेटर अगर एग्रीकल्चरलिस्ट है और उसके पास में हस्बेंड्री है, कैटल है, सीड ग्रेन्स हैं, तो वो सारी चीज़ें भी उससे नहीं ली जाएंगी क्योंकि वो उसकी लिवलीहुड के लिए बहुत नेसेसरी है, तो ऐसा पोर्शन उससे नहीं लिया जाएगा। अब और देखते हैं कि और क्या क्या चीज़ें होती हैं जो लाइबल होती हैं, जो लाइबल नहीं है फॉर अटैचमेंट ऑफ सेल्स के लिए। अब एक जजमेंट डेटर का अगर घर है तो उसको अटैच किया जा सकता है, लेकिन अगर किसी जजमेंट डेटर ने अपनी कुछ प्रॉपर्टी अपनी लेबर के लिए या एग्रीकल्चरलिस्ट के लिए या डोमेस्टिक सर्वेंट के लिए अलग से बना रखी है, जिसको उसका लेबर या डोमेस्टिक सर्वेंट उसको ऑक्यूपाइड करता है, उसमें रहता है, तो उस प्रॉपर्टी को भी जो एग्जीक्यूशन होगा डिक्री का उसके अंदर अटैच नहीं किया जा सकता। यानी कि अगर लेबर यूज़ कर रही है तो उसको नहीं अटैच किया जाएगा। किसी भी आदमी का जो बुक्स ऑफ अकाउंट होगा उसको अटैच नहीं किया जाएगा। मेयर राइट टू सू फॉर डैमेज, कोई भी राइट जो होगा वो सू फॉर डैमेजेस, उसको भी अटैच नहीं किया जाएगा। एनी राइट ऑफ पर्सनल सर्विसेज, उनको भी अटैच नहीं किया जाएगा। जो स्टाइफंड होंगे, ग्रेचिट्यूड्स होंगे, अलाउड टू प्रिजनर ऑफ द गवर्नमेंट, अगर कोई प्रिजनर है गवर्नमेंट का और उसको स्टाइफंड या फिर ग्रेचुटीज अलाउ की जा रही हैं, तो फिर वो भी अटैच नहीं होंगी। द वेजेस ऑफ लेबर, जो अगर जजमेंट डेटर का कोई लेबर है उसकी जो वेजेस हैं या फिर कोई डोमेस्टिक सर्वेंट है उसकी जो वेजेस हैं, तो उनको भी अटैच नहीं किया जाएगा। अब एक चीज़ के अंदर, आई पार्ट के अंदर ये बताई है कि अगर कितना अमाउंट है जो अटैच किया जाएगा और कितना अमाउंट है जो अटैच नहीं किया जाएगा। तो ये कहते हैं सैलरी टू द एक्सटेंट, कितनी सैलरी, एक अब हम सपोज कीजिए कि किसी की सैलरी के अंदर से किसी डिक्री को एग्जीक्यूट कराना है, किसी डिक्री के लिए हमें पैसे निकालने हैं, तो हमने उसके लिए मान लीजिए इंस्टॉलमेंट बना दी कि भाई इसकी सैलरी में से इतना पैसा आएगा और उतना पैसा हम ले सकते हैं, तो वो कितना पैसा हम उसकी सैलरी के अंदर से ले सकते हैं, क्योंकि हमें उतना भी तो छोड़ना है ना जितने के अंदर उसका लाइवलीहुड चल जाए। तो वो कहते हैं कि सैलरी टू द एक्सटेंट ऑफ फर्स्ट 1,000, यानी कि जो पहला 1,000 रुपीज़ है उसको तो आप छोड़ दीजिए, और 2/3 ऑफ द रिमाइंडर, जो 2/3 ऑफ द रिमाइंडर है इन द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी डिक्री अदर देन अ डिक्री फॉर मेंटेनेंस, यानी कि अगर किसी की मेंटेनेंस के लिए कोई डिक्री है उसको तो आप अलग रख दीजिए, अगर उसके अलावा कोई भी डिक्री है उसका एग्जीक्यूशन हो रहा है तो उसके अंदर आप सैलरी में से कितना पार्ट ले सकते हैं। चलिए मैं आपको इसको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। सपोज कीजिए कि सैलरी है हमारी 10,000 की, तो सबसे पहले आप उस 10,000 में से 1,000 माइनस कर दीजिए तो बचा 9,000 रुपये। अब 9,000 का 1/3, 2/3 आप ले लीजिए, तो 2/3 हुआ 9,000 का 6,000 रुपये। अब 6,000 के अंदर आप फिर से 1,000 प्लस कर दीजिए तो ये हुआ हमारा 7,000। तो जो अगर 10,000 की सैलरी है तो 7,000 रुपये तक हाँ जो अमाउंट है वो लायबल नहीं होगा अटैचमेंट के लिए। तो जो बाकी का पैसा बचता है 3,000 रुपये, वो आप अटैच कर सकते हैं 10,000 में से, और इतना पैसा आप अमाउंट इतना अमाउंट जो है वो आप अटैच नहीं कर सकते किसी की सैलरी में से। वहीं अगर बात करें हम मेंटेनेंस की, तो मेंटेनेंस के अंदर कितनी सैलरी को हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मेंटेनेंस के अंदर सीधा बताया इन्होंने कि 1/3 ऑफ द सैलरी इज़ नॉट लायबल टू अटैचमेंट और 2/3 ऑफ द सैलरी इज़ लायबल टू अटैचमेंट। अगर किसी की मेंटेनेंस के लिए कोई मेंटेनेंस की हमारी डिक्री है उसके लिए अगर एग्जीक्यूट करना है हमें सैलरी के अंदर से, तो आप 2/3 ले सकते हैं और 1/3 आप नहीं ले सकते, 1/3 लायबल नहीं है। द फॉलोइंग प्रोविजन, और कौन कौन से प्रोविजन है जहां पर आप अटैच नहीं कर सकते, तो ये बताते हैं द पे एंड अलाउंस ऑफ अ पर्सन हुम द एयरफोर्स एक्ट 1950 और द आर्मी एक्ट अप्लाइड। अगर किसी के पे एंड अलाउंसेज हैं और उस पे एंड अलाउंसेस के ऊपर एयरफोर्स एक्ट या फिर आर्मी एक्ट लागू होता है तो उसको भी आप अटैच नहीं कर सकते। ऑल कंपल्सरी डिपॉजिट्स एंड अदर सम इन और डिराइव फ्रॉम एंड फंड टू विच द प्रोविडेंट फंड, यानी कि जो कंपल्सरी डिपॉजिट आपको हो रहा है किसी प्रोविडेंट फंड के अंदर, तो उतना अमाउंट भी आप डिग्री ऑफ एग्जीक्यूशन के लिए, एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री के लिए आप अटैच नहीं कर सकते। ऑल मनी पेबल अंडर अ पॉलिसी ऑफ इंश्योरेंस ऑन द लाइफ ऑफ अ जजमेंट डेटर, यानी कि अगर किसी जजमेंट डेटर को लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी की तरफ से कुछ मनी मिली है, कुछ अमाउंट मिला है उसकी लाइफ इंश्योरेंस को की मेच्योरिटी होने के बाद में, अगर उसको अमाउंट मिला है, उसको पैसे मिले हैं, तो उस पैसे को भी आप अटैच नहीं कर सकते।
तो ये कुछ मेजर पॉइंट्स थे जहाँ पर हमने ये समझा कि किस किस प्रॉपर्टी को किस कहाँ कहाँ पर हम अपनी अटैचमेंट कर सकते हैं, किस किस प्रॉपर्टी को हम सेल कर सकते हैं और किस किस प्रॉपर्टी को हम सेल नहीं कर सकते फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ टिकली। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, आई होप यू लाइक दिट फ्री वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द लाइक बटन। थैंक यू।